पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी दत्तक बेटी नमिता भट्टाचार्य ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अटल जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा स्पीकर समेत तमाम नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूटान के नरेश जिग्मे खेसर, नेपाल के विदेश मंत्री, बांग्लादेश के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, श्रीलंका के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के कानून मंत्री भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। देश के तीनों सेनाध्यक्षों ने भी वाजपेयी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले बीजेपी दफ्तर से स्मृति स्थल तक पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पीएम मोदी, अमित शाह और दूसरे नेता पार्थिव शरीर ले जा रहे ट्रक के साथ पैदल चलते नजर आए। सभी ने नम आंखों से अटल जी को अंतिम विदाई दी। देश के लिए पिता तुल्य अटल जी में न सिर्फ पार्टी को बल्कि विपक्ष को साथ लेकर चलने की भी अद्भुत क्षमता थी। छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी लिखी इन लाइनों को असल जिंदगी में भी जिया करते थे। यही वजह थी कि वह विरोधियों, विपक्षियों से भी उसी लगाव से मिला करते थे। कभी वह मुस्कुराकर काम चलाते तो कभी कविता से विरोधियों का मन लुभाते रहे। एक नहीं, दो नहीं, करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्रेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हितु अर्पित यह स्वतंत्रता। यह उनका स्वभाव ही था कि उनके विरोधी भी उनके मुरीद बन गए। वाक्पटुता कहे या उनका चुटिलापन, अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों से सभी का दिल जीत लिया करते थे। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अटल जी की इसी वाक्पटुता के कुछ किस्से बेहद मशहूर है। बात है सन 1971 की, जब भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेता के तौर पर एक कदम आगे जाते हुए इंदिरा को दुर्गा करार दिया था। हालांकि बाद में पार्टी की नाराजगी के चलते उन्होंने इससे किनारा कर लिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर लिखा गया। एक और किस्सा बहुत मशहूर है कि इंदिरा गांधी ने एक बार वाजपेयी की आलोचना इस बात पर की कि वह बहुत हाथ हिला हिलाकर बात करते हैं। अटल बिहारी भी कहां चुप रहने वाले थे, बोले वो तो ठीक है, आपने किसी को पैर हिलाकर बात करते देखा है क्या? ऐसा ही एक किस्सा उस समय का है जब तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी एनडीए सरकार में रेल मंत्री थी। एक बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ममता नाराज हो गई। वरिष्ठ नेता जॉर्ज फर्नांडिस ममता बनर्जी को मनाने के लिए कोलकाता भेजे गए। जॉर्ज शाम से पूरी रात तक इंतजार करते रहे लेकिन ममता ने मुलाकात नहीं की। एक दिन अचानक प्रधानमंत्री वाजपेयी ममता बनर्जी के घर पहुंच गए। ममता बनर्जी की माँ से कहा कि आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत तंग करती है। फिर क्या था, ममता का गुस्सा पिघल गया।
पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा एक किस्सा भी मशहूर है। मनमोहन सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के काफी सियासी प्रहार झेलने पड़ते थे। एक वक्त ऐसा आया कि मनमोहन सिंह नाराज हो गए और वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी करने लगे। तब नरसिम्हा राव ने वाजपेयी से नाराज मनमोहन से मिलकर उन्हें समझाने का आग्रह किया। अटल बिहारी वाजपेयी भी मनमोहन सिंह के पास गए और उन्हें समझाया कि वह इस आलोचना को खुद पर ना ले। वो तो केवल विपक्षी नेता होने के नाते सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। ये तो थे अटल जी की वाक्पटुता के कुछ खास किस्से। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। आज जब अटल जी हमारे बीच नहीं रहे तो पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। न्यूज 18 की टीम भी अटल जी को श्रद्धांजलि देती है और उनकी आत्मा की शांति की कामना करती है। देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने ऐसे अटल चाहे